डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन यूनियन। 1967 तक यूरोपीय आर्थिक समुदाय की कई महत्वपूर्ण संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही थी, फिर भी इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि एक शक्तिशाली यूरोपीय संगठन की स्थापना की जाए। इसी उद्देश्य को लेकर 1986 में एकल यूरोपीय एक्ट पारित किया गया और 1991 में यूरोपीय देशों के मध्य मास्ट्रिख्ट शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें यूरोपीय राष्ट्रों के एकीकरण की दिशा में एक भारी प्रयास किया गया। इस संधि में 12 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए, यूरोपीय संघ की स्थापना की और इस संधि की निम्नलिखित संस्थाएं हैं। नंबर एक है यूरोपीय संसद। यूनियन संप्रभु राज्यों का संघ है, फिर भी इसकी अपनी एक संसद है। संसद के सदस्यों को 15 सदस्य देशों की जनता प्रत्येक चुनाव से निर्वाचित करती है। इसके सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यूरोपीय संसद में 626 सदस्य हैं, जिनमें 99 सदस्य जर्मनी से, 87 ब्रिटेन से और 87 फ्रांस से तथा 87 इटली से चुने जाते हैं। स्पेन की जनता 64, नीदरलैंड की 31, बेल्जियम, ग्रीस और पुर्तगाल में प्रत्येक 25-25, स्वीडन की जनता 22, ऑस्ट्रिया की 21, डेनमार्क तथा फिनलैंड की 16-16, आयरलैंड की जनता 15 तथा लग्जमबर्ग की जनता 6 सदस्यों का निर्वाचन करती है। यह संघ की सामान्य नीतियों के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाती है। यह यूरोपीय आयोग की नियुक्ति का अनुमोदन करती है और 2/3 बहुमत से इसे हटाया भी जा सकता है। अगला पॉइंट नंबर 2 है यूरोपीय आयोग। यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था है। इसके 20 सदस्य हैं, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा स्पेन के 2-2 सदस्य और शेष सभी सदस्य देशों से 1-1 सदस्य शामिल होता है। आयोग का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। सदस्य देश आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। आयोग के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करें। पॉइंट नंबर 3 है यूरोपियन परिषद। यूरोपीय परिषद यूरोपीय संघ की तीसरी महत्वपूर्ण संस्था है। इसका निर्माण 1974 में किया गया था और इसमें सभी सदस्य देशों के राज्याध्यक्ष या शासनाध्यक्ष तथा यूरोपीय आयोग के प्रधान शामिल होते हैं। इसमें सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री भी शामिल होते हैं तथा ये मंत्री अपने देश के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ये निर्णय सर्वसम्मति से ही लिया जाता है। परिषद का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती और परिषद का एक अध्यक्ष होता है, जिसकी नियुक्ति 6 माह के लिए होती है और प्रत्येक सदस्य देश को बारी बारी से परिषद की अध्यक्षता करने का अवसर मिलता है। यह सामान्य आर्थिक नीतियों का समन्वय करती है तथा सदस्य देशों के संयुक्त कार्यों या एक समान निर्णयों को परिभाषित भी करती है। अगला पॉइंट नंबर 4 है यूरोपीय न्यायालय। यूरोपीय संघ के 2 प्रकार के न्यायालय हैं, न्याय का न्यायालय तथा प्रथम उपाय का न्यायालय, कोर्ट ऑफ जस्टिस, और दूसरा है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। न्याय के न्यायालय के 15 न्यायाधीश एवं 9 एडवोकेट होते हैं और इसी प्रकार प्रथम उपाय के न्यायालय के भी 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें एडवोकेट्स की व्यवस्था नहीं है। इसका मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। न्यायाधीशों का कार्यकाल 6 वर्ष है। उनकी नियुक्ति सदस्य राज्यों द्वारा आपसी सहमति से की जाती है। न्यायालय सुनिश्चित करता है कि यूरोपीय संधियों की उचित व्याख्या की जाए अथवा कानूनों के अनुसार संधियों को की अवहेलना की जाए। प्रथम उपाय का न्यायालय
व्यक्तियों तथा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत मामलों की सुनवाई करता है, परंतु इसके निर्णय के विरुद्ध की गई अपील का निपटारा भी न्याय का न्यायालय ही करता है। पॉइंट नंबर 5 है लेखा परीक्षकों का न्यायालय, द कोर्ट ऑफ एडिटर्स। यूरोपीय संघ की 5वीं संस्था लेखा परीक्षकों का न्यायालय है, जिसमें 15 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति संसद की पूर्व अनुमति से परिषद द्वारा की जाती है। इसका एक अध्यक्ष होता है और इसका निर्वाचन स्वयं उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह संघ लेखा परीक्षकों की एक संस्था है, जिसके पास कोई विशेष अधिकार नहीं होते। इसका केवल मात्र कार्य संघ द्वारा एकत्रित धनराशि के व्यय का नियंत्रण होता है, और यह संघ यह सुनिश्चित करता है कि संघ का वित्तीय प्रबंध कुशलतापूर्वक ढंग से चल रहा है या नहीं। पॉइंट नंबर 6 है आर्थिक एवं सामाजिक समिति, इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटी। 222 सदस्यों वाली यह समिति एक परामर्शदात्री संस्था है, जिसमें तीनों समूह मालिक, श्रमिक व कृषक तथा सलाहकार आदि के प्रतिनिधि होते हैं। सामाजिक व आर्थिक विषयों पर कोई निर्णय लेने से पहले इस समिति से परामर्श लिया जाता है। इस समिति द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 170 निर्णय लिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 है यूरोसा, ये लोक सेवकों की एक संस्था है, जिसे यूरोसा के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य परामर्श देने का है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसकी नियुक्ति यूरोपीय संघ के मुख्यालय में होती है। उन्हें अप्रभावशाली लोक सेवक भी कहा जाता है। अधिकांश यूरोसा कोयला इस्पात विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन कुछ अन्य विषयों के विशेषज्ञ भी उनमें शामिल कर दिए जाते हैं। अगला पॉइंट नंबर 8 है यूरोपीय निवेशक बैंक, द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना ईईसी संधि के साथ हुई थी और एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इसका संचालन करता है। ये बोर्ड के सदस्य देशों द्वारा मनोनीत व्यक्ति होता है। विभिन्न प्रोजेक्टों को धन देकर समूह के हितों की रक्षा करके तथा साझे बाजार में संतुलन विकास के लिए कार्य करना इस बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है। कम विकसित क्षेत्रों का विकास करना और विभिन्न संस्थाओं का आधुनिकरण करना, नई क्रियाओं का विकास करना और विभिन्न देशों के साझे हितों की रक्षा करना आदि इस बैंक के कार्य हैं। और लास्ट पॉइंट नंबर 9 है समुदाय कानून। संधियों के अनुच्छेद तथा उन पर आधारित कानून या तो सदस्य देशों के प्रत्यक्ष रूप से लागू हो जाते हैं, या फिर ये देश अपने अपने कानून निर्माण करके उन्हें लागू करते हैं। ऐसे कानून तथा उपकानून सभी सदस्य देशों पर आवश्यक रूप से लागू होते हैं, और इसके अतिरिक्त परिषद तथा आयोग अपनी सिफारिशों तथा विचार भी दे सकते हैं। अब आता है निष्कर्ष। उपरोक्त संगठनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप यूरोपीय संघ का लगातार विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री चर्चिल ने एक संयुक्त राज्य यूरोप की कल्पना की, जो सच हो चुकी है। विश्व युद्ध के बाद यूरोप कई भागों में विभाजित था, उनका एकीकरण हो चुका है। यूरोपीय पश्चिमी यूरोप में एक ऐसी नई भावना का विकास हो चुका है, जो एकीकरण और सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह सहयोग आर्थिक, सैनिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों में नए आयाम खोल रहा है। आज यूरोपीय संघ एक उच्च स्तर की आर्थिक शक्ति बन चुका है। यूरो नामक साझी मुद्रा जारी हो चुकी है। साझी सुरक्षा पर सहमति बन चुकी है। यह संघ यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें भी यूरोपीय संघ में शामिल होने का निश्चय दे रहा है। इसके सदस्यों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब यूरोप के सभी क्षेत्रों में एकीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। अतः यह आशा बन चली है कि भविष्य में यूरोपीय संघ
और अधिक शक्तिशाली संगठन होगा और यह स्थिति 21वीं शताब्दी के लिए एक शुभ लक्षण कही जा सकती है। थैंक यू।